बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो यानी नेप्रा में जॉब की वैकेंसी आई है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो यानी काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि नेप्रा यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी क्या है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है जिसमें काफ़ी जो लेस्को, पैपको और वापडा के जितने भी सेक्टर आते हैं वो इसके अंडर आते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को शेयर जरूर किया करो ताकि दूसरे लोगों को भी इस अपडेट के बारे में पता चल सके और वो भी अप्लाई कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो गूगल पर आ गए, आपने भी किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। गूगल पर लिख रहे हैं यहाँ पर जॉब लवर्स, GOB जॉब LOVERZ, ये लिखने के बाद आपने सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पहली वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जॉब लवर्स की वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस तरह का इंटरफेस देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है लेटेस्ट अपडेट, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, तमाम किस्म की जॉब्स की अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कोई पोस्ट अच्छी लगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यार आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो लेटेस्ट जॉब पर आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है पहली पोस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेप्रा की जानिब से जॉब की वैकेंसी आई है। तो आपने क्या करना है, आपने इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो तमाम किस्म की जॉब्स की अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है लास्ट डेट, यहाँ पर देख सकते हैं 18 जनवरी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, जूनियर एग्जीक्यूटिव है, सीनियर एडवाइज़र है। सीनियर एडवाइज़र जो है टेक्निकल M&E फाइनेंस में जो सीनियर एडवाइज़र की पोस्ट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर लीगल एडवाइज़र की है, कंसल्टेंट हाइड्रो पावर में है, कंसल्टेंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल में है, ड्राइवर की और नेपका की जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो अब देख लेते हैं इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं तमाम जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो पूरे पंजाब से, सिंध से, KPK में जो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स, अप्लाई करने का तरीकेकार यहाँ पर बता दिया गया है। तो आपने OTS की वेबसाइट पर जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। तो ये थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि दूसरे लोगों को भी इस अपडेट के बारे में पता चल सके और वो भी अप्लाई कर सके। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है डेली की अपडेट्स। तो यार वीडियो को लाइक करो, तो मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।